Assalamu viewers, my name is Rizwan Cheema. I welcome back with another video of Capital Smart City. This video is not about some site video. This is the main entrance of, in fact, the current entrance of Capital Smart City. आज की डेट में कोई भी इंडिविजुअल अगर कैपिटल स्मार्ट सिटी विजिट करता है तो वो सिर्फ इस गेट से एंटर होता है। तो इस गेट से लेके टिल ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट वन रास्ते में जितना काम हो रहा है मैं उसकी आपको एक एरियल व्यू दूंगा और उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि साइट पे किस जगह पे कितना काम हो रहा है, और प्लस एंट्रेंस का भी आपको आइडिया मिल जाएगा कि एंट्रेंस जो रेडी है उस पर कितना काम हुआ है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग जब साइट वाइज वीडियो बना रहा हूँ, अब तक 19 साइट्स की वीडियो बन गई हैं, तो उनमें एक स्पेसिफिकली ब्लॉक टारगेट होता है, यानी फॉर एग्जाम्पल ब्लॉक A, B, C, D, I, J कुछ भी ब्लॉक हो वो एक स्पेसिफिकली ब्लॉक होता है। तो ये एक ओवरऑल वीडियो है, दिस नॉट सम साइट वीडियो, एक ओवरऑल वीडियो जिसमें आपको पूरा गाइड हो जाएगा कि ओवरऑल स्मार्ट सिटी में किस जगह पे कितना काम इस वक्त करंटली आपकी आज की डेट यानी 19 सितंबर 2020 में हो रहा है। इस वक्त आपने स्क्रीन पे कैपिटल स्मार्ट सिटी के एंट्रेंस गेट की फुटेज देख सकते हैं, और एंट्रेंस गेट की लेफ्ट साइड पे जितना हॉर्टिकल्चर काम होना था, यहाँ प्लान का जितनी प्लांटेशन ग्रीनरी और जितना वो काम था वो मुकम्मल कर लिया गया है। और चक्री रोड पे गेट नंबर 2 है, ये एंट्रेंस 2 जो डायरेक्टली कनेक्ट करती है विद द ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट 1 ब्लॉक C, उसकी एंट्रेंस का ये इस वक्त व्यू आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब बात की जाए अगर इस एंट्रेंस की कि ये एंट्रेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इस एंट्रेंस की इंपॉर्टेंस ये है कि ये डायरेक्टली चक्री रोड के बिल्कुल ऊपर है, और इस पॉइंट से 1.8 माइल्स के डिस्टेंस पे रावलपिंडी रिंग रोड मेरा शरीफ इंटरचेंज आएगी। तो ये स्मार्ट सिटी का जो नियरेस्ट गेट होगा इंटरचेंज के नज़दीक वो ये वाला गेट होगा, और आज की डेट में अगर विजिट करते हैं तो डायरेक्टली यही एक्सेस अवेलेबल है स्मार्ट सिटी एंटर होने के लिए। और आपको बैकग्राउंड में लेफ्ट साइड पर जहाँ पर कुछ लेबर कैंप्स नज़र आ रहे हैं, ये सारा गोल्फ कोर्स से एडजस्टेड एरिया है, और इस जगह पे भी काफ़ी जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है, मैंने साइट की कोई वीडियो नहीं बनाई, जितनी साइट्स कवर की हैं उनमें ये साइट तो बिल्कुल नहीं है। तो उस साइट को कभी सेलिंग के लिए प्रेजेंट नहीं किया गया, जब सेलिंग के लिए पेश करेंगे लोग खरीदेंगे तो उसके बाद मैं इसकी वीडियोज़ बनाऊँगा। अभी ये फॉर द टाइमिंग यहाँ पर काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, और आने वाले दिनों में होपफुली यहाँ पर आप कह लें कि इस मंथ के एंड तक या अगले मंथ के शुरू तक। और एक बड़ी खबर ये भी है कि आने वाले हफ्ते में एक बड़ी न्यूज़ आएगी कैपिटल स्मार्ट सिटी से रिलेटेड। अब वो कब अनाउंस होती है, तो जब अनाउंस होगी तो मैं इंशाल्लाह आपको लाजमी अपडेट करूँगा। और ये जो एंट्रेंस में बात करता है, इस एंट्रेंस के लेफ्ट साइड पर जो गोल्फ कोर्स का एरिया है, ये गोल्फ कोर्स की भी लॉन्चिंग एक्सपेक्टेड है बाय द एंड ऑफ 2020। इसमें जो सिर्फ विलास होंगे जो गोल्फ कोर्स के अंदर होंगे उन विलास की लॉन्चिंग की जाएगी, जिनकी प्राइस अभी तक अनवेल नहीं की गई। इनके मॉडल्स जो हैं वो ब्लॉक A में तैयार हो रहे हैं, लेकिन फॉर द टाइम बिंग इनकी प्राइजेज अभी तक मार्केट में नहीं लाई गई। इस वक्त आप चक्री रोड से लेट से मैं पीछे 700-800 फीट कह लें पीछे देखूँ तो ये वाला जो एरिया बनता है कि स्टार एनक्लेव का, जो एक नई सोसाइटी है जो बिल्कुल कैपिटल स्मार्ट सिटी के ऑपोजिट है, उसके ऊपर से फ्लाई कर रहा हूँ। और अभी मैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के जो गेट है उससे अगली तरफ आपको व्यू दिखाऊंगा कि अभी इससे आगे जो है वो कौन सी जगह पे कितना काम हो रहा है, और या कौन सी जगह पर कौन सी साइड पर क्या काम हो रहा है, वो साइड क्या कहलाती है। अभी लेफ्ट साइड वाले मैंने पहले एक्सप्लेन किया, ये गोल्फ कोर्स का एरिया, और इसमें जितना वो काम होगा वो गोल्फ कोर्स रिलेटेड होगा, लेकिन वो अभी तक क्योंकि सेलिंग के लिए प्रेजेंट नहीं किया गया तो इसके बारे में कोई अपडेट अवेलेबल अभी तक नहीं है। अब आगे मैंने मार्क किया वो कुछ एक प्लांट नज़र आ रहा होगा जो बैशिंग प्लांट है, इसमें बेसिकली सोसाइटी के डेवलपमेंट से रिलेटेड है कि ये पहला प्लांट, अगर आप चक्री रोड से जाते हैं तो आपको ये पहला प्लांट नज़र आता है लेफ्ट साइड पर मेन एंट्रेंस रोड 2 पे। ये एंट्रेंस रोड 2 में बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि एंट्रेंस रोड जो 1 है वो एग्जेक्टिव ब्लॉक के साथ बनेगी, जो इसके बिल्कुल साथ एडजेसेंट सोसाइटी है जिसका नाम था नेशनल गार्डन, जो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने एक्वायर कर लिया है। उस सोसाइटी का जो मेन बुलेवार्ड होगा वो 180 फीट होगा, जो जाके कनेक्ट करेगा ओवरसीज 1 और एग्जेक्टिव का जो डिवाइडर रोड है उसको, प्लस वही रोड जाके लीड करेगा विद द मेन गोल्फ कोर्स, और वही रोड लीड करेगा टुवर्ड्स एग्जेक्टिव ब्लॉक B, और वहीं से एग्जेक्टिव ब्लॉक को एक्सेस मिलेगी। अभी जो लेफ्ट साइड पे आपको मशीनरी नज़र आ रही है सारी वो गोल्फ कोर्स की आउटर बाउंड्री, और यहाँ पे इस एरिया में मेन रोड के साथ कुछ कमर्शियल प्लॉट्स होंगे। अभी उन कमर्शियल प्लॉट्स के साइज़ वगैरह तो लॉन्च नहीं किए गए, लेकिन मैप पे आपको कुछ ब्लू नज़र आता है, तो ब्लू जो है वो बेसिकली लेजेंड्स हैं फॉर द कमर्शियल ओनली। तो यहाँ पे कमर्शियल प्लॉट्स जब आएंगे तो उनकी अपडेट भी आपको मिल जाएगी। और अभी आगे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको जो मेन ब्रिज नज़र आ रहा है, ब्रिज की कम्प्लीशन कम्प्लीट हो चुकी है, और इस ब्रिज पर आप रेगुलर आने और जाने के लिए सिर्फ यही एक्सेस इस्तेमाल होती है। पहले अगर आपने पुराने इस चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हो तो इस चैनल पे आपने पहले वीडियोस देखी जब ये ब्रिज एग्जिस्ट नहीं करता, और लेफ्ट साइड पे वो जो कुछ लेवलिंग वाला एरिया है, ये बेसिकली कैपिटल हिल विलास के लिए लेवलिंग वाला एरिया है, ये बेसिकली रोड का एरिया जो आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है। वैसे शदीद डिप्रेशन थी, शदीद फीलिंग हुई है यहाँ पे। ये वाला एरिया के आगे राइट साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है, ये वाला बेसिकली कनेक्ट करता है टुवर्ड्स मेन ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट 1, और ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट 1 ब्लॉक C में आपको मस्जिद प्लस राइट साइड पे जो 10 मरला के विलास बन रहे हैं वो नज़र आ रहे हैं। और अभी हम जो सीक्वेंस वाइज वीडियो बना रहे हैं उसमें आपको साइट 19 की मैंने कल वीडियो पोस्ट की थी, जो सी ब्लॉक के बिल्कुल बैक साइड पे अपार्टमेंट्स हैं, उसकी वीडियो थी। अगर आप उसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राइट साइड पे आपको कुछ एक नया जो मैंने मार्क किया है, एक बैशिंग प्लांट नज़र आ रहा है, यहाँ पे लगाया जा रहा है, जो आने वाले दिनों में जितनी भी सड़कें वगैरह सराउंडिंग में बनेंगी, क्योंकि इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे हेड ऑफिस का काम तकरीबन ऑलमोस्ट फिनिशिंग स्टेज में आ गया है। जो मेन डिज़ाइन ऑफिस है जो साइड पर बन रहा है, उसका काम मेन कह रहे हैं फाइनल स्टेजेस में है, तो उसकी वजह से यहाँ पे एक बैशिंग प्लांट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि वो जितनी नीड्स हैं यहाँ पे उनको कैटर किया जा सके। अब हम इस पॉइंट से वापसी दोबारा देखते हैं कि एग्जिट तक क्या है रास्ता। उसके बाद मैं एंड पे इस वीडियो में एंड में क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं रखा, मैं अगली साइड वीडियो में रखूँगा। ये जैसे एक अपडेट वीडियो थी कि जस्ट मैं आप बता दूँगा आपको कि साइट पे किस जगह पे कितना काम हो रहा है। अगर आप कोई भी फ्रेम देखें, इनफैक्ट अगर कोई भी इंडिविजुअल देखना चाहता है डेवलपमेंट का स्टेटस, तो किसी वक्त वीडियो को पॉज करें और जूम करके देखें, तो उसको किसी ना किसी इमेज के कोने में कुछ मशीन्स काम करती हुई नज़र लाजमी आएंगी। वेल व्यूअर्स, दिस वाज इट फ्रॉम टुडे। अगर आपको स्मार्ट फ्रेम बुकिंग के हवाले से कुछ मालूमात चाहिए तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रिजवान चीमा को दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।